हम जिस घर में रहते थे वहां एक पास बहुत बड़ी तस्वीर लगी हुई थी जो फैमिली फोटोग्राफ थे। अक्सर हम अपनी अम्मी से पूछा करते थे ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, वो सब बताती थी। वहां एक बहुत खूबसूरत खातून बैठी होती थी तो मैंने पूछा अम्मी जान ये कौन है, कहती है दादी अम्मा है, इनका नाम क्या है, फिर वो उनका नाम हमारे भानो बताया और मुझे कहने लगे ये बहुत बहादुर खातून थी, ये जब तकरीर करती थी तो सब सुनते थे, ये हर वक्त अपने शौहर के साथ हर चीज में खिलाफत में हिस्सा लिया करती थी और हर जगह जाया करती थी। तो मैंने कहा अम्मी जान उस जमाने में खातून कब जाती थी, कहती है हाँ बेटा 1902 में 70 साल की उम्र में जब इनकी शादी हुई तो बीमा उनकी सास ने उन्हें ये कहा कि तुम अपने शौहर के साथ शाना बाशाना खड़ी हो, वो सियासत कर रहे हैं तुम उनके साथ हर जगह जाया करो, और इसी तरह बीमा ने उनको इस तरफ रजू किया और वो हमेशा जाती थी। उन्होंने एक दफा अम्मी जान हम स्कूल जाए तो कहती है बेटा ये जो कॉलेज है ना रस्ते में इसका नाम है इस्लामिया कॉलेज। मैंने कहा अच्छा, यहाँ उन्होंने पहली दफा पाकिस्तान के मुताबिक रेजोल्यूशन किया और फर्स्ट वुमेन कॉन्फ्रेंस जो हुई थी मुस्लिम से उसको हेड किया था, और वो बड़ी बावकार खातिन थी, बड़ी जोरदार तकरीर करती थी और इसी तरह अपनी जिंदगी के दिन गुजारती थी और बहुत खुश रहती थी। वैसे तो अम्मी कहती थी वो कमजोर थी, मैं अम्मी से कहती थी अम्मी जान अगर वो कम होती तो तकरीर कैसे करती थी, कहती थी उनकी तकरीरों में वो जोश था, जब वो बात करती थी अपने वतन के लिए आजादी के लिए तो उनकी हर चीज बदल जाती थी, ऐसे लगता था उनका दिल दिमाग एक है और उस जोश से बोलती थी। फिर उन्होंने अहमदाबाद में जाके एक स्कूल खोला और उसका नाम हमीदा स्कूल रखा, जो पहला स्कूल था लड़कियों की तालीम के लिए। इसी तरह आपने बहुत से और भी काम किए जो खातिन के लिए थी और हमेशा बच्चियों को और खातिन को इनकरेज करती थी कि उनके साथ जाएं, जलसों में जाएं, महफिलों में जाएं और सीखें। जब भी हम कोई शरारत करते थे तो अम्मी कहती थी बेटा तुम्हारी दादी गुस्से हो जाएंगी, तुम क्यों ऐसे कर रही हो, उनका नाम रोशन करो, उनकी वो खुश होंगी। तो मैं कहती थी वो तो है नहीं तो वो खुश कैसे होंगी, लेकिन बस अम्मी जान की ये यादें ये बातें, उस वक्त तो इनकी वैल्यू नहीं थी लेकिन अब जब सोचती हूँ कि वो बातों बातों कहानियों कहानियों में बहुत कुछ सिखा गई, वो प्यार मोहब्बत दादी से जिनको हमने देखा नहीं था, ऐसे लगता था वो हमेशा हमारे दरमियान है और कभी हमसे दूर नहीं। बीएमआर की पोती होते हुए उस खानदान से ताल्लुक मेरा इसी तरह से है जैसे वो डोनेशन जमा किया करती थी, उन्होंने 40 लाख रुपए का डोनेशन मुस्लिम लीग के लिए जमा किया था जब उनको पैसे की जरूरत थी, तो वहां के यूपी के गवर्नर जो थे मार्क हैरी उन्होंने कहा इस खानदान की औरतें भी पैसे चंदे जमा करती हैं। मैं हैरान हूं कि उस जमाने में वो लोग किस तरह खातिन से करते थे, लेकिन ये बहुत ये खातून जो थी इनसे सब कोई इनकी इज्जत करते थे और इन्हीं ने पाकिस्तान का के आजादी में बहुत हिस्सा लिया, हालांकि इनका नाम इतना आगे आता नहीं। मैं हैरान हूँ क्यों क्यों नहीं, ये तो शाना बशाना चलती थी और मोहम्मद अली जौहर से कोई स्किल में या बातों में या काम करने में कोई इनमें कमी नहीं थी, और गांधी जी ने भी ये कहा कि ये बावकार बहादुर खातून जो है इनके साथ काम करने का मुझे मौका मिला तो मुझे पता लगा कि किस तरह ये काम मेहनत से करती हैं, सच्चाई से करती हैं और बड़े दिल के साथ करती हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा ताल्लुक उनसे है और मैं उम्मीद करती हूँ हमारी सब बच्चियां ये सीखें कि जिंदगी में आप कभी हारे मत, हिम्मत मत हारे, हिम्मत से काम लें और आप बढ़ते ही चल जाएंगी।